हेलो फ्रेंड्स, आपको जब एक ही यूट्यूब चैनल पे हजारों मार्केटिंग से जुड़े बिजनेस आइडियाज जब एक ही चैनल पे मिले तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगला बिजनेस से जुड़े आइडियाज आप तक जरूर पहुँचे। तो फाइनली मैं हावड़ा का सबसे बड़ा फ्लावर्स का मार्केट जो कि ठीक हावड़ा ब्रिज के नीचे में है, वेस्ट बंगाल हावड़ा ब्रिज के नीचे, ये फ्लावर्स का इतना बड़ा मार्केट है यहाँ पे कि मतलब जितने भी आसपास के कारोबारी आते हैं फ्लावर्स ले जाने के लिए, फूल को ले जाने के लिए, वो यहीं से ले जाते हैं हावड़ा का पुल के नीचे से। और ये इतना बड़ा मार्केट है कि मतलब आसपास के जो कोलाघाट और भी तरह के मार्केट जो लगते हैं फ्लावर्स का, उनसे भी ये बड़ा मार्केट है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे विजिट करता है तो विजिट करके उसे बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से एक कलर के वैराइटीज़ के फूल देखने को मिलेंगे। और वो अगर बिजनेस करना चाहता है तो यहाँ पे आके बिजनेस भी कर सकता है। जिन लोगों को कम पैसे में बिजनेस करना है उन लोगों के लिए ये बिजनेस जो है वो सबसे बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा करके डेली के डेली ख़रीदारी होता है और डेली के डेली बिक्री भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो लोग है काफ़ी तादाद में आते हैं, जिससे कि माल जो है वो अब बिक्री हो जाता है और माल एक दिन में ट्रक का ट्रक लाट का लाट माल आता है, वो सारा का सारा सेल हो जाता है। लेकिन जो फ्लावर्स जो होते हैं प्लास्टिक का बना हुआ, वो लोग अपना होलसेल का दुकान खोले हुए हैं, उन लोगों का जो सेल होता है वो लेट से होता है। लेकिन जो कच्चा फ्लावर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक फ्लावर्स होते हैं वो जल्दी सेल हो जाता है। तो अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं कम पैसों में तो ये बेटर बिजनेस है, और आके अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कीजिए, आके देखिए किस तरह से बिजनेस होता है किस तरह से नहीं होता है। मोबाइल में देखिएगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ फ़ोटो ही आप देख पा रहे हैं फ्लावर्स का। अगर आप नज़दीक से आके देखिएगा तो बहुत कुछ पता चलेगा आप लोगों को, और सब कुछ देखना पड़ेगा और लोगों से बातचीत कीजिएगा तो नॉलेज बढ़ेगा। तो आप लोग एक बार विजिट करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर रूम चाहते हैं तो हावड़ा के पास में स्टेशन के पास में दो चार ऐसे होटल्स हैं जो कि कम पैसों में रूम देते हैं। फिर भी आप लोग टेक केयर होके आइएगा, क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो थोड़ा सा कोरोना का टाइम से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे जो फ्लावर्स बिक्री होते हैं उसका दाम जो प्राइस रहता है वो आप अपने मार्केट्स पे आप उसका जो दाम है तीन गुना ऐसे दाम बढ़ा के बिक्री कर सकते हैं, दो गुना ऐसे दाम बढ़ा के बिक्री कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे परचेस किया दाम, तो मुझे पता चला कि जो मैं फ्लावर्स जो लेता था यहाँ पे वो मेरे मार्केट में तीन गुना दाम बढ़ाकर बिक्री कर रहे थे। तो मतलब कि अगर वो दो तिहाई भी माल बिक्री कर दे रहे हैं तो उनका डबल मुनाफा हो गया। तो इस तरह से होलसेल जो भी फ्लावर्स है उसको ले जाके आप भी अपने मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये हो जा रहा है कि ये मार्केट जो है मेरे घर से थोड़ा दूर पे है, जिसके कारण फ्लावर्स ले जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। यही कारण से होलसेलर से माल लेके अपने मार्केट में जो बिक्री कर रहे हैं वो दो गुना तीन गुना मार्जिन जो है आराम से अपना निकाल ले रहे हैं। इसीलिए होलसेलर में यही बात रहता है कि आपको पहले मार्केट का जानकारी होना ज़रूरी है, नहीं तो होलसेलर में भी बहुत सारा ऐसे व्यापारी है जो कि आपको ठग सकते हैं, यानी कि माल जो है थोड़ा ख़राब भी धरा सकते हैं, क्योंकि कच्चा माल है तो कच्चा माल में बहुत सारा ऐसा माल रहता है जो ख़राब रहता है। आप ले जाइए घर पर तो आपको पता चलेगा कि माल जो है वो ख़राब निकला है, क्योंकि नए नए जो व्यापारी होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि होलसेलर लोग जो होते हैं वो थोड़ा चूना लगाने के चक्कर में भी रहते हैं। इसीलिए आप अपने आंखें खोल के ही आए, दो बार तीन बार चार बार विजिट करें, नहीं समझ में आए और ज़्यादा करके विजिट करें और उसके बाद ही यहाँ से माल ले जाए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं आजकल के ज़माने में थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी रहता है खुद की तरफ से। तो ऐसे ही मैं मार्केट का जो नॉलेज रहेगा वो आप तक मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा और आगे का जो वीडियो का प्रोसेस है वो इससे भी काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद मैं प्राइस रेट भी आप लोगों को सही सही बताने की कोशिश करूँगा पूछ पूछ के। मिलते हैं अगले वीडियो में।